good morning, bacha. Settle down. Material लाए हैं आप लोग? Yes, ma'am. Good. आपको जैसे हमने आज आपसे हमने एक ब्लैक चार्ट और एक वाइट पेन मंगवाया लाए हैं, दिखाइए सब. गुड. बॉयज भी लाए हैं. आप लोगों ने प्लस वन में हमने एक पेन एंडिंग टेक्निक करा है, याद है? पेन एंडिंग में क्या होता है कि हम रोटरिंग पेन्स के साथ विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ निब्स के साथ और कलर्ड इंक्स के साथ हम आर्ट कार्ड शीट पे काम करते हैं. अब जो हम इस प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे वो ये है कि हम इंडियन कोई भी आर्ट टेक्निक, बेसिक फोक आर्ट टेक्निक, कोई भी इंडियन आर्ट का हम उसको स्टडी करेंगे विद वाइट पेन. इसके हमारे दो पर्पस हैं. फर्स्ट तो एक आपको इंडियन आर्ट का पता चलेगा कि हमारा कितनी टेक्निक्स हैं. आपने सुना होगा कुछ आइडिया है, सपोज़ हमारा फोक आर्ट, हम अपना लें पंजाब का, तो हमारा फोक आर्ट क्या है? फुलकारी. फुलकारी में कैसे पैटर्न्स हैं? लाइन वर्क है, लाइन वर्क इज देयर. पैटर्न्स कैसे हैं? क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बने हैं उसमें? फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं. इसी तरह हर स्टेट का बच्चा एक आर्ट होता है. एवरी स्टेट, हम इंडिया की कोई भी स्टेट ले लें, उस हर स्टेट का एक उनका फोक आर्ट है. महाराष्ट्र का है वर्ली आर्ट. आप लोगों ने देखा होंगे वो फिगर्स, आपने समझी होंगी, वो हम डिस्कस भी करेंगे आज. बिहार का एक ये भी बहुत फेमस आर्ट है, मधुबनी आर्ट. मधुबनी आर्ट हो गया, वर्ली आर्ट हो गया. आप अपना आर्ट ले लीजिए, किसी भी स्टेट का कोई आर्ट उठा लीजिए. हम आज उस आर्ट की स्टडी को इस ब्लैक चार्ट पेपर पे विद द हेल्प ऑफ वाइट पेन एक आर्ट पीस बनाएंगे. क्लियर? अब सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं, अब हम कोई भी चीज़ पेपर पे हमको बनाना है तो हमको पहले एक स्टाइल पता होना चाहिए. वर्ली पेंटिंग्स जो हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द स्टाइलाइजेशन. जो हमने प्लस वन में स्टडी किया एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में, स्टाइलाइजेशन क्या था? बेसिक लाइन आर्ट, बेसिक फॉर्म्स, जिसको हम थोड़ा लाइंस में ही वेरिएशन देके सिंप्लिसिटी रखते हुए हम एक डिज़ाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते. सपोज सन है, ये हमने उसको क्या किया इस तरह से, और आप उसकी रेज को ऐसे भी बना सकते हैं. वी कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, और इट्स अप टू यू जो आपको लाइन का पैटर्न चाहिए. लाइंस हमारी कितने तरह की होती हैं? ये छोटा छोटा वेरिएशंस करके आप इन लाइंस में हम नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आप देखिए, स्लीपिंग लाइन, रिदमिक लाइन, स्लांट लाइन, डायगोनल लाइन, स्टैंडिंग लाइन. आप इसमें ये स्पाइरल लाइन. अब कोई भी पेंटिंग हमको क्रिएट करना है, सबसे पहले इस पेपर पे हम ए फोर साइज पे बनाएंगे और 1/4, उसके बाद हम किसी बड़े साइज पे चलेंगे. अब इसमें एक स्पेस डिवीजन करते हैं. सबसे पहले हम स्पेस डिवीजन में क्या है, आप लोगों को पढ़ा होएगा पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस. जब भी हमको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है हमको इन चीज़ों को माइंड में रखना है. पॉजिटिव स्पेस वो होता है जिस पे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, नेगेटिव स्पेस जो आपका बैकग्राउंड है. क्लियर? सो पॉजिटिव स्पेस जो है शुड बी लार्जर देन द नेगेटिव स्पेस. इतना सा मोटिव ना हो और बाकी सारा आपका खाली पड़ा है तो आपकी पेंटिंग कभी भी अपील नहीं करेगी. आपको उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, बैलेंस, रिदम, हार्मनी. सो वो लाइंस को, आपकी ड्राइंग को आपको इस चार्ट पेपर पे बैलेंस करना है. पैटर्न्स आप क्या पिक करेंगे, जैसे कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास,
ये वर्ली के हो गए, क्लियर, सिंपल पैटर्न्स, दीज वंस। अब इसमें से हमने सिलेक्ट कैसे करना है? मैम ने रेफरेंसेस दे दिए, हमारे टेबल पे पड़े हैं, कॉपीज हमारे पास हैं, पेन हमारे पास हैं। अब हमारा क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन डिज़ाइंस की स्टडी कीजिए, जस्ट सी कि वर्ली आर्ट की स्पेशलिटी क्या है, मधुबनी आर्ट की स्पेशलिटी क्या है। वर्ली आर्ट में जो फिगर्स हैं सिंबॉलिक, आपने ये देखे होंगे, इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और हम इनको कहते हैं स्टिक फिगर्स। अब हम इसको किसी सीन में कन्वर्ट करने हैं, सिंपल फिगर इज दिस, अब हम इसको किसी सीन में हमने कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल, कोई डिटेल नहीं। अब इसमें आप अपना डिजाइनिंग देंगे, किसी बच्चे को ये लाइंस अच्छी लगती हैं वो ये डाले, किसी को डॉट्स अच्छे लगते हैं वो डॉट्स डाले, आपको डायगोनल लाइन अच्छी लग रही है आप डायगोनल डालिए, इट्स अप टू यू। आप जो इसमें अपना इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं आप करिए, मेल है ये, फीमेल है तो आप इसमें ये लगा सकते हैं, मेल है तो सिंगल लाइन, फीमेल है तो यू कैन शो द बेंगल पार्ट ऑल्सो। ग्रीनरी दिखानी है, ट्री दिखाना है, ट्री में स्टाइलाइजेशन कैसे हुआ, एंड लाइन वर्क। ठीक है, आप फिगर्स बना सकते हैं इन एक्शन फिगर्स वर्किंग, कोई हट्स बनानी है हट्स बनाइए, ट्रीज बनाने हैं ट्रीज बनाइए। और जब आप बॉर्डर्स बनाएंगे, बॉर्डर्स हम कहीं से नहीं देखेंगे, बॉर्डर्स में आप डिज़ाइन खुद से इन्वेंट करेंगे। आपको लाइंस का पता है, सारी लाइंस बताई हैं, कर्वी, स्पायरल, कोनिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप इनको मिक्स एंड मैच करके यू कैन क्रिएट द ब्यूटिफुल बॉर्डर्स। अब आप देखिए, जैसे ये आपको बनाना है, आप ये बना सकते हैं, सिंपल लाइंस में चलते जाएं, यू कैन गिव, आप स्टैंडिंग में ही देना चाहते हैं आप दो स्टैंडिंग दीजिए, और फिर आप इसमें ये दे सकते हैं, क्लियर। आपका जहाँ क्रॉस आता है दिस फॉर्म, आप यहाँ पे यू कैन गिव सम सर्कुलर डिज़ाइन, सर्कुलर नहीं देना है तो आप इसमें ये जो है आप क्रॉस करके यू कैन क्रिएट सम डिज़ाइंस। हमारा वर उसका अपना फुलकारी का भी पैटर्न ऐसा ही होता है ना, लाइन वर्क में अब इसमें मुझे और स्टाइलाइजेशन डालना है, मैं कहीं से भी क्रिएट करूंगी इन चीजों को। हमको कोई बर्ड एनिमल बनाना है तो आप एनिमल की फॉर्म भी आप इस तरह से आप इसको लेंगे और लेग्स ऐसे, सिंपल एक्सप्रेशन, कोई ज़रूरत नहीं डिटेल्ड ड्राइंग करने की कि हमसे फिगरेटिव नहीं बन रहा, कुछ ज़रूरत नहीं। सिंपल फॉर्म्स को समझो, सिंपल एनाटॉमी समझो, आर्म्स कहाँ से मुड़ेंगी, टांग कहाँ से फोल्ड होगी, सिर्फ उस चीज़ को आपने एक बारी देख, एंड देन डिज़ाइन एलिमेंट अपनी चीज़ में डालना है।
डिज़ाइन एलिमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आगे कल को आपने फील्ड्स में जाना है, परस्यू करना है आगे, चाहे आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाओ, चाहे आप इंटीरियर में जा रहे हो, या आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा रहे हो, एनिमेशन में जा रहे हो, हर चीज़ के लिए आपको बेसिक लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, अब ये जो पैटर्न्स हैं, देर आर फ्यू स्लाइड्स जो मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ, आप उन स्लाइड्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. अब हमने ये वर्ली पढ़ा, एक और है जो मैंने आपसे कहा, मधुबनी. मधुबनी बताया, मधुबनी का जो पैटर्न है उसमें ये है कि आप जो भी चीज़ बनाते हैं, कोई मोटिफ, फोक आर्ट का सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है वो ये है कि वो नेचुरल फॉर्म से लिया गया है एंड वेरी सिंपल आर्ट. ठीक है, उसमें भी यही बर्ड्स हैं, यही ट्रीज़ हैं, लेकिन स्टाइल अलग है करने का. उस स्टाइल में क्या है कि अगर आप एक बर्ड कर रहे हैं तो आप डबल लाइन देंगे, हर फॉर्म में उनके ये लाइन डबल होती है. और डिज़ाइनिंग आपकी उसके बीच में आ जाएगी. ये वाली जो पेंटिंग्स हैं कलर्ड हैं सारा, लेकिन अभी हम कलरफुल वर्क नहीं करेंगे. फर्स्ट हम ब्लैक एंड वाइट में ये अपना वाइट पेन के साथ करेंगे, हम लाइंस अपना इम्प्रूव करेंगे, डिज़ाइन थिंकिंग इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कलर्स की तरफ चलेंगे. क्लियर? इसमें आप जो भी बनाएं, पीकॉक बनाएं, सेम पैटर्न. आप एक फॉर्म सोच लीजिए पहले, जो भी फॉर्म बनाना है आप उस फॉर्म को बनाइए और उसके बाद उसका डबल लाइन देते जाइए. अब हम कुछ स्लाइड्स वहाँ पे देखते हैं. आपको कुछ नोट डाउन करने होंगे, आप पैटर्न्स नोट डाउन कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी आप ऑब्जर्व कीजिए. ये कौन सा पैटर्न है? विच स्टाइल इज दिस वर्ली और मधुबनी? कैसे पता चला? गुड. आप पैटर्न्स देख रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या लिया इन्होंने? पीकॉक. पीकॉक की डिजाइनिंग देखिए, अंदर लाइन, ऑल काइंड ऑफ लाइन. इट्स अ ब्यूटिफुल पैटर्न. आप देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, वो फ्लावर देखिए, डेकोरेटिव फिश देखिए, फिश के अंदर आप एक लोटस का एलिमेंट देख रहे हैं, उसके पीछे फ्लावर देख रहे हैं, फिश के अंदर आप एक बॉर्डर देख पा रहे हैं. तो आपने उस तरह से उस डिज़ाइन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक आर्ट के स्टूडेंट में और एक जनरल स्टूडेंट में फ़र्क होता है ऑब्जर्वेशन का. हम जनरली चीज़ों को देखते हैं बट ऑब्जर्व नहीं करते. देखना अलग चीज़ है, जो देखेगा वो ये कहेगा इसमें फिश है, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको डिज़ाइन, कलर, ये सब वो देखेगा चीज़ों. ठीक है, ट्री. अब वो पीकॉक्स नीचे आ गए, सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं. बर्ड्स ऊपर आ गए, पैरेट आ गया, अगेन फिश बट डिफरेंट कॉम्पोजिशन, देन बर्ड्स. अब देखिए बैकग्राउंड सारा लीफ के साथ भर रखा है, अगेन फिशेस, सेंटर मोटिव देखिए. अब कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना भी ज़रूरी नहीं. आप देखिए जो फॉर्म है, हमने पीकॉक और बर्ड्स ले रहे हैं, लेकिन आप किसी का भी, किसी भी फॉर्म का भी आप एक डिटेल और क्लोजअप ले सकते हैं. आप क्लोजअप लेके उसके ऊपर बना सकते हैं. और ये जो काम है ना आजकल, ये बहुत सेल होते हैं प्रोफेशनली भी. फोक आर्ट, हम वापस वहीं जा रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन से होके अब हम वापस फोक की तरफ जा रहे हैं. अब ये जो वर्क हैं, आप 5x5 feet, 4x5 feet, आप नेशनली और इंटरनेशनली ये बहुत सेल होती हैं इन वर्क की. तो आप उस तरह से भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि आप ये चीज़ सीखें, और बहुत ईजी है करना, कोई मुश्किल नहीं.
पीछे देखिए सारा लाइन वर्क है। ये कौन सा स्टाइल है? वर्ली आर्ट। विच स्टेट? महाराष्ट्र। गुड। सन का पैटर्न देखिए, बॉर्डर का पैटर्न देखिए, व्हाइट पेन से बन सकता है इजीली। सुंदर लग रहा है। वेरी सिंपल फॉर्म्स। क्लियर। अब हम इस पे एक डेमो लेते हैं, आप लोग आइए, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। आइए बच्चा, आ जाओ, आगे आ जाओ। फर्स्ट आ जाओ बॉयज। सबसे पहले बच्चा आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है? ड्राइंग करने के लिए जिनके हैंड शेकी हैं, जो सीधा बना सकते हैं वो ठीक है, जिनके हैंड शेकी हैं, अगर लाइन अच्छे से नहीं लग पाती है तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। पेंसिल पीछे से पकड़ना है एंड देन स्टैंडिंग। Then diagonal, ठीक है? अब जैसे सर्कल बनाना है हमको, वो भी दिक्कत आता है, सर्कल नहीं बनता है हमसे, तो सर्कल के लिए आप ये जो सपोर्ट है आप इसको नीचे रख सकते हैं, लिटिल फिंगर। जैसे हम कंपस के लिए लगाते हैं ना एक पॉइंट और फिर हम चलाते हैं, उसी तरह ये एक लिटिल फिंगर है जिसकी हेल्प से आप सर्कल बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप ऐसा 2-3 बारी हाथ घुमाइए, 1, 2, 3 ऐसा, ठीक है? 1, 2, 3 जिस मर्जी साइज का ले लीजिए, ठीक है? इस तरह से। क्लियर। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर हमने आपको बताए जिस तरह से आप एक डिज़ाइनिंग करेंगे। अब कोई भी मोटिफ हमने बना लिया, मोटिफ बनाने के बाद हम वाइट पेन के साथ इसको लाइन ड्राइंग करेंगे। पेशेंटली और जितना इंट्रिकेट करेंगे आपका लाइन, उतना ही पेंटिंग आपकी खूबसूरत बनेगी। बोल्ड काम करना इसमें, थोड़ा सा लाइन वर्क को इंट्रिकेट डिजाइंस में लाना। अब जैसे हम ये हॉर्स का एक फॉर्म बना रहे हैं, और पेन आप बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेंगे बच्चा, पेन को सॉफ्टली चलाना है। अब ये जो लाइंस है ना, जो ये फ्लुएंट लाइन, ये आप 2-3 बारी प्रैक्टिस करेंगे आपका लाइन अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। लाइन को इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना, ऐसे रुक रुक के आप कोशिश कीजिए इस फिंगर का सपोर्ट देके लाइन पूरा खींचने की कोशिश करो। एक बारी ख़राब होगा, 2 बारी होगा, बन जाएगा। और जो हम बनाते हैं ना, और जब अच्छा बनता है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही अलग होती है, कि खुद को हैरानी हो जाती है कि अरे हमने बना लिया। बॉयज कर सकते हैं ना हम ये इजीली? अब देखिए इसमें आप डिजाइन को चेंज करते जाइए अलग अलग, जो आप लेना चाहते हैं वो लाइन वर्क लो और इसमें अलग अलग डिजाइनिंग डालते जाइए।
अब ये कौन सी लाइन हम दे रहे हैं? Curved lines. Which line is this? Curved lines. अब जब border देना है, border में भी आप यूं lines दे सकते हैं. आप दूसरा वीवी वाला बनाना चाहते हैं या कोई भी करना चाहते हैं, जो भी border आप select करें, आप उसको बना सकते हैं. ठीक है बच्चा? Any question? No, ma'am. Doodle art और इस वाली art में फर्क है? Doodle art में क्या होता है कि हम अपना patterns create कर रहे हैं. जैसे doodling का जो आप करते हैं, आप pen में doodle art भी कर सकते हैं. ये हम जो form study कर रहे हैं, वो है हमारा Indian art forms. इंडियन आर्ट हिस्ट्री में जितना फोक अपना पेंटिंग्स के थीम रहे हैं या फोक स्टेट आर्ट्स जो रहे हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं. इसके बाद आप अपना इनोवेशन डाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि अब इसमें पहला पॉइंट क्रिएटिविटी का क्या है कि हमने तीन चार डिज़ाइंस देखे और हम उसको अपनी तरफ से एक कॉम्पोजिशन बना रहे हैं. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड आप लोग क्या करेंगे कि उसके बाद कुछ आर्टिस्ट हैं जो लाइन वर्क में काम करते हैं, आप उन कॉम्पोजिशंस को पेन वर्क में ट्राई कर सकते हैं. ठीक है? और जैसे अब इसके पीछे अब जितना है डूडल आर्ट आजकल इतना ज़्यादा है, जेंटेंगल्स, वही सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अगर आप इसमें मंडालाज लेके जा सकते हैं, उनकी पेंटिंग्स करिए, वो ढेरों पैटर्न्स हैं, आप उनको बनाइए. एक तो सिमेट्री आएगी आपके हाथ में, लाइन इम्प्रूव होएगा, थर्ड आपको डिज़ाइन की समझ आएगी, जो हमारा इस असाइनमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव है अपना. ठीक है? इंडियन आर्ट का आप, क्योंकि आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंडियन आर्ट का पता होना चाहिए. ठीक है? तो उस हिसाब से हम पहले ये चीज़ें बनाएंगे. इसमें हमारा जैसे देखिए ये है. ठीक है? अभी कंप्लीट हो गई, ये पूरा पिक्चर बनेगा. और एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है कि इसमें गीला हाथ कोई ना लगे, पानी ना लगे, ये चीज़ को ध्यान में, क्योंकि नीटनेस हमारे आर्ट में उतना ही इम्पॉर्टेंट है. प्रेजेंटेशन जैसे हम कहते हैं, प्लस वन में हमने शीट्स दी, हमने आपको बोला माउंट करके देना है आपको. क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप एक काम करना इज़ वन थिंग, आपके काम को प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ है. सो आप ये करेंगे, उसके बाद इसको संभाल के भी रखना. सो अभी हम ट्राई करें एक एक चीज़. सामान है कोई और क्वेरी इसके बारे में बच्चा? डिज़ाइंस आप अपनी तरफ से, आप बैठिए, एक एक दो दो शीट्स हैं आगे, यू कैन मिक्स एंड मैच द डिज़ाइंस. ठीक है? और ख़ुद का क्रिएट कीजिए. चलिए बेटा, बॉर्डर्स क्रिएट करो. चलिए बैठो, ये ले लो. चलिए चलिए आप. यहाँ आ जाइए बेटा, बैठिए. घर जाके हम 10 मिनट्स लाइन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद एक शीट और ट्राई करेंगे. ठीक है? श्रेया पेंसिल पीछे से पकड़िए बच्चा, पेंसिल थोड़ा पीछे से पकड़िए एंड डोंट प्रेस योर पेंसिल. Let's go, no? Okay, let's.
शीट का ध्यान दें, ये फ्रंट साइड है, आप फ्रंट साइड पे काम करना है पहले आपने, उससे पहले स्पेस डिवीजन, बॉर्डर, बॉर्डर करने के बाद फिर बीच में आपका डिज़ाइन आएगा, ठीक है। पहले स्पेस की डिवीजन कीजिए सारे, ये ड्रॉ करो दोबारा, आप इधर डायरेक्ट आपने सेंटर में इमेज नहीं शुरू कर देना है, पहले स्पेस डिवीजन करो, उसके बाद आप माइंड में अपना थोड़ा डिज़ाइन सोचो कि हमने क्या फॉर्मेशन करनी है। अगर आप वर्ली कर रहे हैं तो सिंगल, अगर आप मधुबनी का पैटर्न उठा रहे हैं तो डबल लाइन। और कल आप लोग घर से ये ड्राइंग करके लाएंगे एक एक सारे, इज दैट क्लियर? नहीं नहीं, आप इस पे बनाओ ना बेटा, आप इसको दोबारा पहले ड्रॉ करो फिर उसके बाद शुरू करो। तो यहाँ पे डबल करो, जैसे ये है ना, स्लो चलाओ, स्लो, ये किया, ये किया, यस, क्लियर। अब जैसे ये फ्लावर है, आप इसको सेंटर में भी ले सकते हैं एंड बॉर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर लेंगे तो आप एक लाइन इस तरह से इधर ले सकते हैं साइड पे, इवन इसमें यू कैन राइट अ कैलीग्राफी या कुछ भी, आप पोइट्री वगैरह साइड पे लिख के आपका वो भी बन सकता है, इवन आप लोटसेस के पैटर्न भी ले सकते हो, वो भी कर सकते हो बीच में, गुड गुड गुड। ये जो हाथ शेक करते हैं ना, आप लाइन की प्रैक्टिस करना, परफेक्ट हो जाएंगी लाइंस। कल आप ये सेम शीट एक डिज़ाइन कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है बेटा? अब इसमें रेपिटेशन करो, जैसे इसका है ना, अब ये आया, ये आया, अब इसको यहाँ बनाइए दोबारा, सो दैट बैलेंसिंग हो जाए लाइंस की, बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइन को। पेन नहीं, पहले इसका बॉर्डर छोड़, बॉर्डर छोड़ेंगे इतना, फिर उसके बीच में ये, और आप अगर इस पैटर्न को यूं नहीं, आप हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वर्टिकल है, हमने वर्टिकली देना, आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाइए उस हिसाब से कीजिए।